हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोकिया का 5। फ्रेंड, ये नोकिया का 5 है जिसमें FRP लॉक लग गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया। तो आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊँगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिस्ट गो पे टैप करेंगे। यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लें, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो इसमें आप सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है और यह खुद ब खुद आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर 2 मिनट वेट करेंगे। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा दे रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद अगला ऑप्शन आएगा, तो हम लोग को तब तक वेट करना है। फ्रेंड, मेरे वीडियो के हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, आपके फ़ोन का लॉक ज़रूर खुलेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आ गया है। यहाँ पर हम लोग डॉन्ट कॉपी कर देंगे। यहाँ पर वेट करेंगे। अगर यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो उसे भी स्किप कर देंगे हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है। यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर वो आपको पता है तो यहाँ पर डालें, आपका फ़ोन यहीं से आगे बढ़ जाएगा और खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। और आप यहाँ पर देखिए, लॉक का सिम्बल बना हुआ है और नेक्स्ट करेंगे तो आगे नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब हम लोग पूरा स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे। आ गए। अब हम लोग को यहाँ ऊपर लैंग्वेज में टिक करना है, ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाना है। ध्यान से देखिएगा, जो लैंग्वेज को हमें सेलेक्ट करूँगा उसे सेलेक्ट करना है। देखिए, इस लैंग्वेज को हम लोग को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए, अब लैंग्वेज चेंज हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टैप करके यहाँ पर वेट करेंगे। अब यहाँ पर टैप करेंगे, डॉन्ट कॉपी है ये। यहाँ वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है, तो आपको जीमेल आईडी जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ एक बार यहाँ पर टैप करें। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज का आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग सिलेक्ट करके रखे रहेंगे तो इस तरह से खुलेगा। अब सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको हम लोग टैप कर देंगे, इस तरह से खुलेगा। अब हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर भी एक ऑप्शंस को हम लोग टिक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन से मैं टिक करूँगा उसी पर आप टिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर हम लोग को टैप करना है, तो चलिए टैप कर लेते हैं। टैप किए, अब यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। सबसे नीचे वाले पर टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है डिलीट, डिसेबल, मैनेज, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ एक नंबर में लिखा है टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग, इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अब थोड़ा नीचे आएंगे और खोजेंगे जीमेल। देखिए, जीमेल मिल गया है, इस पर टैप करेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है इस पर टैप करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर टैप करेंगे और सबसे लास्ट वाले पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर भी सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर फिर से जीमेल आईडी लिखने बोल रहा है, पर हम लोग के फ़ोन का लैंग्वेज भी चेंज है, हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए कुछ भी यहाँ लिखते हैं, 2-3-4 शब्द लिखते हैं, मतलब 2-3 अक्षर लिखते हैं। इस पर लिख दिए। अब हम लोग को @ लगाना है, लगा दिए। उसके बाद फिर 3 कोई वर्ड लिखेंगे। उसके बाद डॉट लगाना है, डॉट, ठीक है, लगा दिए। अब यहाँ 1-2 शब्द और लिखेंगे, मतलब 2 वर्ड और लिखेंगे। लिखे, देखिए, अब ये ऑप्शन जो है वो ब्लू हो गया। अब इस पर हम लोग टैप कर देंगे। यहाँ सबसे नीचे वाला ऑप्शन में टैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बार खाली बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर टैप करेंगे, अब यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ बीच वाले में टैप करेंगे और नीचे लिखा हुआ है सेट पिन, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर एक नया पिन सेट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 मैं सेट कर रहा हूँ, री इंटर करते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारे फ़ोन में पासवर्ड सेट हो चुका है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को बैक आ जाना है। तो चलिए अब हम लोग को बैक आ जाना है, फटाफट हम लोग बैक आ जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। पूरा स्टार्ट में आ जाएंगे, और बैक आएंगे, ठीक है आ गए। अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेना है, वापस इसका लैंग्वेज इंग्लिश कर देना है। कर दिए इंग्लिश, अब हम लोग को लेट्स गो लिखा हुआ, इसमें टैप करेंगे। यहाँ पर ये खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ डोंट कॉपी करेंगे, ये डोंट कॉपी करते साथ अगर आपके सामने पासवर्ड आएगा दोस्तों, तो आप वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने अभी सेट किया है 1 2 3 4। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो जीमेल आईडी इस तरह से आएगा, पर यहाँ पर आपको स्किप भी अब दिखेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर स्किप पे टैप कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ स्किप पे टैप कर देते हैं, पहले यहाँ नहीं आ रहा था लेकिन अब आ चुका है। टैप कर दिए और यहाँ स्किप कर देंगे इसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग का जीमेल से आगे बढ़ गया। अब यहाँ मोर पे टैप करेंगे, एक्सेप्ट पे टैप करेंगे, ठीक है। यहाँ इसे भी स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ ओके कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अब हम लोग यहाँ पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा फ़ोन जो है दोस्तों कंप्लीट FRP बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।